मेरा नाम लक्ष्मी मजगाया है। आज हम लोग जानेंगे खिचड़ी के बारे में और साथ में इसका एक डिश भी बनाएंगे। खिचड़ी तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी है और इस खिचड़ी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खिचड़ी खाने से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और खिचड़ी का सेवन वैसे तो बहुत लोग करते हैं क्योंकि खिचड़ी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है और ये बनाना भी बहुत आसान है। चलिए हम लोग बनाते हैं खिचड़ी और साथ में जानेंगे इसके फायदे। खिचड़ी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग एक इस तरह से स्पून लिए हैं, इससे हम लोग मेजर किए हैं। इस स्पून के हिसाब से ये हाफ टेबल स्पून के करीब तुअर की दाल है, एक टेबल स्पून के करीब चना की दाल है, एक टेबल स्पून के करीब उड़द की दाल है और जितना हमारे दाल है उससे डबल चावल है। और हम लोग क्या किए हैं, ये दाल और चावलों को आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हैं। ये भिगोना बहुत जरूरी है, इससे आपके जो खिचड़ी का टेस्ट है वो दुगुना बढ़ जाती है, इसलिए ये आधा घंटा पहले भिगो कर रखे। साथ में हरी मिर्ची है, करी पत्ता, तेल और कुछ मसाले हैं, जीरा, राई, नमक और हल्दी, बस हम लोग इतना ही यूज करेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। हम लोग एक कुकर में बनाएंगे। देखिए कुकर रखे हैं, कुकर में ही तेल डालें, तेल बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद में हम इसमें राई और जीरा डालेंगे। ये राई है, हाफ टेबल स्पून के करीब राई डालें और हाफ टेबल स्पून के करीब जीरा डालना है हमें। करी पत्ता डाले और हरी मिर्ची डाले। सभी दाल चावल को एक साथ मिला लिए हैं, ये देखिए, और इसे डाले। दाल और चावलों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले, ये देखिए इस तरह। इसमें ही हमको स्वादानुसार नमक डालना है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसमें ही चुटकी भर हल्दी डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। दाल चावल डालने के बाद में इसको थोड़ा सा पकने दे, देखिए इस तरह। हमारे दाल चावल जितना था उससे हमको डबल पानी डालना है, ये इसका परफेक्ट रेशो है, जितना हमारी दाल है उससे डबल पानी डाले दाल चावल। ये देखिए हमारे हाफ प्लेट के करीब दाल चावल थे तो हम लोग ये फुल पानी डाल रहे हैं, ये देखिए। पानी डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें तेल डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस एक टेबल स्पून के करीब तेल डालना है और तेल के साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, ये देखिए इस तरह। और इसकी ढक्कन लगाकर कम से कम 7 से 8 मिनट पकाए, एक सीटी आने तक हमको पकाना है और फिर बाद में गैस बंद कर दे। हमारी खिचड़ी पक रही है, तब तक हम लोग खिचड़ी के ऊपर डालने के लिए तड़का बनाएंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो बनाइए, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। मुझे थोड़ा सा तड़का पसंद है खिचड़ी के ऊपर, इसलिए मैं बना रही हूँ। ये इस तरह से प्लेट है, ये मेरी तड़के वाली प्लेट है, इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें ही थोड़ा सा राई डालना है, हाफ टेबल स्पून से भी कम, ये देखिए। और इसमें ही ये इस तरह से लाल मिर्च है, इसे डाल दे और थोड़ा पकने दे और गैस बंद कर दे। ये देखिए हमारे तड़का लगभग तैयार हो गई है, गैस बंद कर दीजिए क्योंकि जितना गर्म है तेल उसी तेल में हमारी जो बाकी की चीजें है वो पक जाएगी। हमारी जो खिचड़ी है वो लगभग पक गया है, एक सीटी आ गया है, उसके बाद में क्या करें, गैस बंद कर दे और इसे 5 मिनट इसी तरह रख दे। ये देखिए हमारे कितनी अच्छी तरह खिचड़ी पक गया है, ये देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसे हम लोग निकालेंगे। खिचड़ी को निकालते वक्त या फिर सर्व करते वक्त क्या करें, एक इस तरह से प्लेट्स ले, प्लेट्स में निकाले, ये देखिए इस तरह। इस तरह स्पून की सहायता से खिचड़ी को निकालकर ये देखिए प्लेट में निकाले, उसके बाद में इसे थोड़ा सेट कर ले, ये देखिए इस तरह, इस तरह अच्छी तरह सेट कर ले। उसके बाद में क्या करें, एक प्लेट ले, जिस प्लेट में हम लोग सर्व कर रहे हैं उस प्लेट में क्या करें, ये खिचड़ी को इस तरह, ये देखिए इस तरह रखें, इससे खिचड़ी दिखने में बहुत सुंदर दिखता है और खाने वाले बहुत ही अच्छे से खाते हैं।
इस तरह रखने के बाद में क्या करें, ऊपर से प्लेट को आराम से निकालें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद में क्या करें, हम लोग जो छौक लगाए थे, छौक बनाए थे, उस छौक को ऊपर डालेंगे। देखिए इस तरह, इस तरह ऊपर ये छौक डालें, इससे दिखने में बहुत सुंदर दिखता है और खिचड़ी भी बहुत ही सुंदर लगती है। और ये थोड़ा सा धनिया साइड में, ये देखिए खिचड़ी कितना सुंदर लग रहा है। खिचड़ी एक ऐसा डिश है जिसमें आप कुछ भी आप वेजिटेबल मिलाकर बना सकते हैं, या फिर आप सादा सिर्फ दाल और चावल से भी बना सकते हैं। इससे भी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खिचड़ी जो जिनके पाचन तंत्र कमजोर है उसके लिए खिचड़ी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और खिचड़ी को पचाने में बहुत ही आसानी होती है। खिचड़ी शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। चावल और दालों को मिलाकर जो खिचड़ी बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खिचड़ी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहती है। इस तरह खिचड़ी के बहुत सारे गुण हैं। इस तरह खिचड़ी बनाए, ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर खिचड़ी को आप दही के साथ में खाओगे तो खिचड़ी का स्वाद दुगुना बढ़ जाती है। इस तरह खिचड़ी बनाए, खाए, और मेरे चैनल लक्ष्मी मजगाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।